So Nakli Hindu mat bano, asli Hindu bano ham jaisa. आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कभी कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान चाहते हैं? कभी नहीं कहा। चैलेंज करता हूं कि पूज्य बापू का हत्यारा जो है उनको हिंदुस्तान में पूजा नहीं किया जाएगा, ये तो नहीं कह सकते आप। मुसलमान दो, पाकिस्तान तीन, इमरान, ये तीन बातें हैं और कुछ बात नहीं। ये आपका न्यू इंडिया में मॉब लिंचिंग होता है, ये आपका न्यू इंडिया कहते हैं ना। घुसपैठी आ रहे हैं बांग्लादेश से, अभी बांग्लादेश हमसे आगे चल गया, वो 88 पे पहुंच गया। पाकिस्तान हमारा आगे है, नेपाल हमारा आगे है, हम पीछे रह गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। दिन और रात खाली पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान को है क्या? हमारा बीएसएफ पाकिस्तान को हरा सकता है, आर्मी का कोई जरूरत नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। यू आर रोरिंग लाइक ए लायन अगेंस्ट पाकिस्तान, बट यू आर व्हिम्परिंग like a pygmy against China. This is the tragedy of our country. कहिए सोचा था कि एक बार सीए भी लागू कर दे, एनआरसी का बात कर दे, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाएगा, सारे मुसलमान अलग थलग हो जाएगा और हमारा बस वोट बैंक तुरंत इजाफा होने लगेगा। लेकिन आपका सारे जो कल्पना थी, इट वॉज अ सिनिस्टर डिजाइन। ये इनके खिलाफ सारे हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग, हर वर्ग के लोग, हर मतलब उम्र की लोग सब इकट्ठा होकर आंदोलन छेड़ दिया। आजादी की समय दो गांधी थे, एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और एक खान अब्दुल गफ्फर खान सीमांत गांधी। अब्दुल गफ्फर खान 95 ईयर्स उनका आयु थी, उस आयु के अंदर 45 ईयर्स उन्होंने कैद खाना में थे, ब्रिटिश उन्होंने कैद खाना में रख दिया था। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। ये आजादी की लड़ाई एक तरफ जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके साथ और कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हिंदुस्तान की आजादी में एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके साथ आबिद हसन खान सनवाज खान थे। ये हिंदुस्तान आप नहीं मांगते, ये हिंदुस्तान आप नहीं चाहते। ये हिंदुस्तान के लिए सबसे पहले कॉम्प्लीट इंडिपेंडेंट पूर्ण स्वराज की नारा किसने लगाया था जानते हैं? मौलवी हसरत मुहानी, सन 1921। यह हिंदुस्तान की आज जो जय हिंद कहते हैं हम लोग, यह जय हिंद किसने नारा दिया था जानते हैं? आबिद हसन सफरानी, नेताजी की साथ लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने यह नारा तय किया, यह सब तय किया, जय हिंद। सोरैया थाइब जी हमारा जातीय ध्वज की डिजाइन बनाई थी। गांधी जी का जो क्विट इंडिया मूवमेंट, ये क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम किसने दिया था जानते हैं? यूसुफ मेहराली जी। तो हम सबने बनाया हिंदुस्तान, सबने बनाया हिंदुस्तान। आज सब आपस में क्यों हम लड़ाई करने जा रहे हैं? हिंदुस्तान की आजादी के लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सिपाही भगवत में 29,000 मुसलमानों को दिल्ली की सड़क में ब्रिटिश ने कुचल दिया था, 35,000 आलम शहादत ली, ये हिस्ट्री है। तो हमारा देश को हम इस तरीके की नहीं पालन कर सके, जहां रविंद्रनाथ ठाकुर भी हो और काजी नजरुल भी हो, जहां रविशंकर प्रसाद जी, रविशंकर हो, प्रसाद जी नहीं, रविशंकर और साथ साथ सरदार अमजद अली भी हो, ये सेतार और सरोद की धुन से हम मूर्छा जाए, हम नहीं चाहते। आप बताओ, हम नहीं चाहते। आज हम ये हिंदुस्तान नहीं मांगते जहां सत्येन बोस हो और डॉक्टर कलाम हो, हम नहीं चाहते। हम ये हिंदुस्तान नहीं चाहते इसलिए कि वो हिंदू है हम मुसलमान है, ये देश सबने बनाया। हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंटरप्राइज हैज नेवर इंडल्ज इन एनी सिंगुलर थॉट, वी हैव नेवर इंडल्ज इन एनी काइंड ऑफ सिंगुलर आइडिया, चाहे हमारा गॉड हो, रिलीजन हो। हमारा चार वेद है, दो एपिक है, 18 उपनिषद है। इसका मतलब क्या होते हैं? इसका मतलब ये होता है हमारा कॉस्ट्यूम अलग है, क्विजिन अलग है, कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, फिर भी वी आर ऑल लिंक टू द रेलम ऑफ प्लुरालिटी। तो प्लुरालिटी हमारा देश की सबसे बड़ा धड़कन है, इसको बचा के रखना चाहिए। यूरोपियन पार्लियामेंट
वहां रेजोल्यूशन ला रहे हैं। सारे दुनिया में ये कश्मीर को लेकर और सीएए को लेकर हमारे खिलाफ आवाज बुलंद रहे हैं। इसमें क्या हमारा जो स्टेटस ये नहीं घट रहे, हमारा स्टेटस हिंदुस्तान की जो स्टेटस वो कमजोर नहीं होते हैं। इसके चलते हमारा प्रधानमंत्री डाभोस में नहीं गया, डाभोस में नहीं गया आप लोग, हमारा प्रधानमंत्री। और हमारा जो सारे डिप्लोमेटिक एसेट है, ये डिप्लोमेटिक एसेट जीत का मालिक जयशंकर जी है, ये डिप्लोमेटिक एसेट का किससे इस्तेमाल करते सारे दुनिया को समझाने के लिए, क्या भाई कश्मीर हमारा आंतरिक मुद्दा है, सीएए हमारा आंतरिक मुद्दा है। आपको तो और कोई काम नहीं, आपको तो और कोई काम नहीं, अफगान पीस प्रोसेस में भाग ले सकते हैं नहीं, इंडियन ओशन रीजन में जो रीजनल समस्या है, इंटरनेशनल समस्या है, आप कोई भाग ले सकते हैं नहीं, क्योंकि अपना सारे फोर्सेस आपने तैनात कर दिया, सारे डिप्लोमेटिक एसेट आपने लगा दिया सारे दुनिया को समझाने के लिए, भाई कश्मीर हमारा है, हमारा है, हमारा है, सीएए सीएए हमारा आंतरिक मसला है। क्यों आपको, क्यों इससे ज्यादा एग्रेसिव क्यों नहीं देखना पाते हम लोग आज सारे दुनिया में? आप देखिए हमारा डबल हुआमी क्या है, ये हमारा डबल हुआमी है कि कश्मीर पीओके चीन के साथ जाना चाहते और हम कब्जा करने चाहते, चीन आगे निकलते मॉरलिटी ग्राउंड में चीन आगे निकल गया और हिंदुस्तान पीछे रह गया, ये हमारा डबल हुआमी है। आप ये स्वीकार करें या ना करें आपका राय है। ये यूएस कांग्रेस और रेजोल्यूशन किया कश्मीर के बारे में कॉन्डेमिंग न्यू दिल्ली डिसीजन दी, हाँ खुशी है, लेकिन पूज्य बापू पे सर्जिकल स्ट्राइक मत करना, ये उनका ऊपर आइडियोलॉजिकल स्ट्राइक करते हैं, महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजिकल स्ट्राइक करते हुए आपने ये कहते हैं कि हमारे गांधी जी ने ऐसा कहा कि हिंदूज एंड सिख्स ऑफ पाकिस्तान हु डू नॉट विश टू लिव देयर कैन कम टू इंडिया, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंश्योर ए नॉर्मल लाइफ फॉर देम, सही कहा। लेकिन आपने क्या किया जानते हैं, इसको चेरी पिकिंग कहते हैं, इसको पिक्सिलेटिंग कहते हैं, जहां पसंद हुआ उठा के लाया। गांधी जी को असली बात अपने कभी जिक्र भी नहीं कहा, नहीं किया और जानना भी नहीं चाहते आप लोग, यही आपसे समस्या है। इन द ईयर 1947, सुन लीजिए, इन द ईयर 1947 10 जुलाई गांधी जी ने क्या कहा सुन लीजिए, जयशंकर जी काफी एरुडाइट पर्सन है, लर्नेड पर्सन है। ई पीपल फ्ली देयर होम्स इन सीन एंड अदर प्लेसेस आउट ऑफ हियर एंड कम हियर, शैल वी टर्न देम अवे, गांधी जी बोल रहे शैल वी टर्न देम अवे, इफ वी डू सो विद दैट फेस शैल वी कॉल आवर सेल्फ इंडियंस, हाउ कैन वी चैंट द स्लोगन जय हिंद वेलकम देम सेइंग दिस टू इज योर कंट्री जस्ट एज दैट इज योर कंट्री, दिस इज हाउ वी शुड डील विद देम इफ नेशनलिस्ट मुस्लिम आर ऑल्सो फोर्स टू लीव पाकिस्तान एंड कम हेयर, देन दे टू वी लिव हेयर एज हिंदुस्तानीज, वी ऑल हैव द सेम स्टैंडिंग, इफ दिस कैनॉट बी देन हिंदुस्तान कैनॉट कम इन टू बींग, हु हैज नो शॉट ही इज महात्मा गांधी, ही स्टिल लिव इन आवर सोल। सो हम लड़ते रहेंगे आपके खिलाफ, जितना शंका हो जाए हम लड़ते रहेंगे आपके खिलाफ, क्योंकि आप अन्याय कर रहे हैं, देश को विभाजन कर रहे हैं, देश को टुकड़ा करने चाहते हैं, इसके लिए आपको खिलाफ लड़ना वाजिब है। ना संघर्ष ना तकलीफ, मजा क्या है जीने में, बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में, हमारा सीने में आग लगी है हिंदुस्तान की लोकतंत्र की बचाने का और संविधान खत्म करने की जो साजिश, इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारा सीने में आग लगी है, हम लड़ते रहेंगे, जय हिंद।